इस वीडियो में कार्डियोमायोपैथीज के बारे में बात करेंगे। तो कार्डियोमायोपैथीज जो है होता क्या होता है, तो इसमें कार्डियोमायोपैथीज को अगर कोई भी डायग्नोज करना है ना, तो उसमें ये तो एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ है, एबनॉर्मल हार्ट होता है इसमें। लेकिन इसमें जो है एन एब्सेंस ऑफ, मतलब ये सब प्रेजेंट नहीं होता, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ नहीं होना चाहिए, वेल्बुलर हार्ट डिजीज़ नहीं होना चाहिए, कोई सा भी, ये सब एक्सक्लूड करना, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ नहीं होना चाहिए, हाइपरटेंशन की वजह से कोई हार्ट डिजीज़ नहीं होना चाहिए, और इन्फ्लामेशन ऑफ मायोकार्डियम की वजह से कोई हार्ट डिजीज़ नहीं होना चाहिए। तो इसको कार्डियोमायोपैथीज के अंडर में ये आता है, ठीक है। तो जो बेसिकली तीन टाइप का हम कार्डियोमायोपैथीज पढ़ते हैं, एक हो गया डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, इसको कंजेस्टिव कार्डियोमायोपैथी भी बोलते हैं, और दूसरा है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, और रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी भी होता है, ठीक है। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, हमको आज यही डिस्कस करना है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के बारे में ही क्वेश्चन आ चुका है यूनिवर्सिटी में, AKU में 2012 में से कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या है, तो अभी डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ा, जैसा कि मैंने कार्डियोमायोपैथी का, मायोकार्डियल डिसऑर्डर इन विच हार्ट इज स्ट्रक्चरली ने फंक्शनली एबनॉर्मल इन द एब्सेंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, वेल्बुलर हार्ट डिजीज, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, इन्फ्लामेशन ऑफ मायोकार्डियम, ठीक है। नेक्स्ट है, ये इन्फ्लामेशन ऑफ मायोकार्डियम को हर जगह, ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको छोड़ देना है, इन्फ्लामेशन को छोड़ देना है, बाकी सबको, बाकी चार जो है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, वेल्बुलर हार्ट डिजीज़ और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ और हाइपरटेंशन की वजह से ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटी ऑफ हार्ट नहीं होनी चाहिए। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में बेसिकली होता क्या है ना, कि ये हार्ट जो है डायलेट कर जाता है, इसमें हार्ट का चारों चैम्बर यूजुअली जो है चारों चैम्बर डायलेट कर जाता है, ठीक है। तो यूजुअली चारों चैम्बर जो है हमारा डायलेट कर गया। तो डायलेट करने से क्या होगा, अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट राइट वेंट्रिकुलर दोनों डायलेट कर जाता है, जनरली राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों डायलेट करता है, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा डायलेट कर जाएगा अगर वेंट्रिकल, तो इससे पुअरली कंट्रैक्टिंग हार्ट हो जाएगा, लार्ज हार्ट हो गया बट पुअरली कंट्रैक्टिंग हो गया, और यही डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी ही जो है 90% मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है ना, सीवियर यंग इन सडन डेथ इन यंग एडल्ट एथलीट्स में होता है, ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, और 90% ऑफ ऑल कार्डियोमायोपैथीज में ये आता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी आता है। इन तीनों में जो है और भी एक दो टाइप होता है, टैकोट्सिगो होता है, एक एरिथमोजेनिक होता है, तो वो सबको पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमको ये इसके बारे में पढ़ना है कि कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी बेसिकली होता क्या, कि डायलेटेड हो गया अगर कार्डियो लेफ्ट वेंट्रिकल, अगर कार्डिये जो है वेंट्रिकल जो है अगर डायलेट कर जाएगा, तो ये सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होगा, क्योंकि पुअरली कंट्रैक्ट, फेलियर टू कंट्रैक्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अगर कोई सेगमेंट, सिर्फ हार्ट का सिर्फ सेगमेंट अगर जो है फेल करता है ना कॉन्ट्रैक्ट करने का, तो उसको सेगमेंट का इम्पेयरमेंट होता है, तो उसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज में रखते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा हार्ट ही जो है नहीं काम कर रहा है, ठीक है ना, डायलेट नहीं कर पा रहा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा सही से, सफिशियंट कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, और वेन लेफ्ट वेंट्रिकल इज नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट, अब उससे क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्सिक्वेंसेस में देखते हैं, और यहाँ पे हम राइट वेंट्रिकल का उसके बाद में कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या प्रेजेंट होगा। तो जब प्रेशर बढ़ेगा, ज़्यादा हार्ट फीलिंग होगा तो प्रेशर बढ़ेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जब प्रेशर बढ़ेगा तो लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर बढ़ाएगा, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ा तो लेफ्ट एट्रियम में भी प्रेशर बढ़ेगा, लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन जो है ड्रेन करता है, तो लेफ्ट पल्मोनरी वेन में भी प्रेशर बढ़ेगा, पल्मोनरी वेन जो है पल्मोनरी कैपिलरी से आता है,
तो जब पल्मोनरी कैपिलरी में प्रेशर बढ़ता है तो पल्मोनरी एडिमा होने का चांसेस है, ठीक है ना। पल्मोनरी फ्लूड लीक करता है इंटरस्टिशियम में और एल्वियोलाई में, तो इडिमा होता है। इसके वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी, कार्डियक फेलियर भी हो सकता है। अब पल्मोनरी इडिमा का क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होगा, क्या क्या फीचर्स के साथ प्रेजेंट करेगा, तो कफ होगा, हिमोप्टिसिस भी हो सकता है, डिस्पनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, पी एन डी, पैराक्सिस्मल नॉक्टुर्नल डिस्पनिया और ऑर्थोपनिया हो सकता है, ठीक है। और क्या क्या मिलेगा लंग में फीचर्स, तो बाइलेटरल पल्मोनरी क्रेपिटेशंस मिलेगा, साउंड्स मिलता है, ठीक है ना, इन लोअर बेसिस ऑफ द लंग में, ठीक है। वेन अगर राइट वेंट्रिकल का नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली, तो उसके वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, तो वो देखेंगे। प्रेशर इंक्रीज करेगा राइट वेंट्रिकल में और इंक्रीज जीवीपी, मतलब सिस्टेमिक वेंस जो भी ड्रेन करता है इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, अगर सुपीरियर वेना कावा में नहीं ड्रेन कर पाएगा तो जीवीपी, जुगलर वेनस प्रेशर बढ़ेगा। आप यहाँ पे जब इंफीरियर वेना कावा सही से नहीं ड्रेन कर पाएगा तो इंफीरियर वेना कावा में हिपैटिक वेन जो है ड्रेन करता है, तो हिपैटिक वेन में हाइपरटेंशन, इन्फीरियर वेना केवा जो है सही से ड्रेन नहीं कर पाएगा तो हिपैटोमिगैली होगा, स्प्लीनोमिगैली हो सकता है, उसके बाद से जनरलाइज इडीमा हो सकता है, एसाइटिस हो सकता है, होगा, ठीक है। और जब पुअरली कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकल है तो इससे क्या होगा, तो पल्स जो है एकदम वीक होगा, ठीक है ना, लो वॉल्यूम पल्स होगा, वीक होगा। और ईसीजी में हमको क्या क्या चीज़ सुनाई दे सकता है, तो ईसीजी में S3 दिख सकता है, ठीक है ना, ईसीजी में हमको S3 दिखेगा। और ईसीजी में क्या क्या चेंजेस दिखता है, तो वेन ओवर डायलेटेड वेंट्रिकल इज रैपिडली फिल्ड विद ब्लड फ्रॉम एट्रियम, क्या होता है S3 साउंड क्या होता है, तो वेन ओवर डायलेटेड वेंट्रिकल इज रैपिडली फिल्ड विद ब्लड फ्रॉम द एट्रियम, ये S3 साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। और ECG फाइंडिंग्स में हमको क्या मिलेगा, तो साइनस टैकीकार्डिया मिलेगा ECG फाइंडिंग्स में, और जो है ECG फाइंडिंग्स में लो वोल्टेज लिम्ब लीड्स मिलेगा, और ECG फाइंडिंग में हाई वोल्टेज चेस्ट लीड्स मिलेगा, और पुअर आरवे प्रोग्रेशन होगा। तो ये थोड़ा सा है, इसको समझना पड़ेगा बाद में, ठीक है, किसी वीडियो में समझेंगे। वेन वेंट्रिकल्स डायलेट्स इट स्ट्रेचेस द एन्यूलस रिंग, अच्छा मतलब जब ये वेंट्रिकल्स जैसे ही डायलेट करते हैं ना, तो ये एन्यूलस रिंग जो ये एर्टिक वेल्व और ये माइट्रल वेल्व और ट्राइकस्पिड वेल्व जो होते हैं, उनका जो एन्यूलस होता है उसको भी डायलेट स्ट्रेच कर देते हैं। तो जब स्ट्रेच करेंगे ना, तो क्या होगा कि रिगर्जिटेशन का चांसेस होगा, सही से कोआप्टेशन नहीं हो पाएगा, बंद नहीं कर पाएगा वेल्व जो है एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व होता है उसको क्लोज नहीं कर पाएगा। तो एर्टिक रिगर्जिट माइट्रल रिगर्जिटेशन और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का चांसेस है, ठीक है ना। अगर एबनॉर्मल ब्लड फ्लो होगा तो इन द वेंट्रिकल्स होगा तो लीड्स टू, अच्छा एबनॉर्मल ब्लड फ्लो होगा वेंट्रिकल्स में तो प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बिन थ्रोम्बाई होगा इन द वेंट्रिकल, क्यों, क्योंकि स्टैग्नेंट ब्लड रहेगा अगर वेंट्रिकल में डायलेटेड है, बहुत सारा वेंट्रिकल ज़्यादा डायलेटेड है तो इसमें थ्रोम्बाई बनने का चांसेस है, तो इसके वजह से थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, फिर इससे वजह से स्ट्रोक का रिस्क है, स्ट्रोक का रिस्क है, ठीक है ना, ये डिसलॉज करके वहाँ से, कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी हो सकता है उसके बाद से। द कॉजेज ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में, तो इसका निमोनिक है ABCCCDHP, ठीक है ना। तो अब ABCCD देखेंगे, ए से अल्कोहल टॉक्सिसिटी है, बी से बेरीबेरी होता है, बेरीबेरी डिजीज जानते, डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन होता है, कोक्सैकी वायरस है, कॉमन कोकेन यूज है। अब ये जो है कोरोनरी वैसो कोकन, ये ऑल्सो नोट है, इसको छोड़ देना। छागास डिजीज है, ट्रिपैनोसोमा स्क्रूजियाई की वजह से होता है, ड्रग्स डॉक्सोरिबोसिन और डोनोरिबोसिन से होता है, और हीमोक्रोमाटोसिस, सर्कोइडोसिस भी अगर लॉज कर जाएगा हार्ट में तो उसके वजह से भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में जनरली पेरीपार्टम बिफोर और आफ्टर फ्यू वीक्स ऑफ डिलीवरी में होता है। इडियोपैथिक सबसे मोस्ट ऑफ द डायलेटेड कार्ड, मतलब लगभग 50% जो है इडियोपैथिक है, और जेनेटिक केसेस जो है 30% है लगभग इसमें,
डिस्ट्रोफिन जीन म्यूटेशन है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंजाइम डिफेक्ट होगा, म्यूटेशन होगा तो उसमें होगा। एंजाइम्स कंसर्न विद द फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन और फैटी एसिड्स में जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसका जो है अगर म्यूटेशन होगा तो उसकी वजह से कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। नेक्स्ट है, अगर रिड्यूस हमको मैनेजमेंट में क्या क्या करना है, एक तो कॉम्प्लिकेशंस देख लेंगे। जब हार्ट जो है डायलेटेड रहेगा तो कंडक्शन पाथवे भी डिस्टर्ब रहेगा, तो उसमें हमको सीवियर डेंजरस एरिथमिया होने का चांसेस है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, तो मैनेजमेंट में प्री लोड ऑफ द हार्ट को कम करेंगे। प्री लोड मतलब इंफीरियर वेना कैवा से या सुपीरियर वेना कैवा से जो भी राइट हार्ट को ड्रेन कर रहा है उसको कम करने का कोशिश करेंगे। तो डायरेटिक्स देंगे ताकि फ्लूड लेवल कम हो, एसी इनहिबिटर्स एआरबीज देंगे, कैप्टोप्रिल एनालाप्रिल, आर्टेरियो डायलेटर्स लाइक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स निफेडिपिन वगैरह देंगे जो कि आर्टेरियो डायलेटर्स है, सो डेट हार्ट कैन पुश ब्लड अगेंस्ट द लेस रेजिस्टेंस, ठीक है ना। बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो रिड्यूस हार्ट अटैक, कार्विडिलोल बीटा सेलेक्टिव कार्डियो सेलेक्टिव देंगे, एटिलोनोल उसके बाद से स्मोलोल दे सकते हैं। इम्प्लांटेशन सम पेशेंट्स में क्या करते हैं, इम्प्लांटेशंस ऑफ कार्डियक डिफिब्रिलेटर, ये डेविडसन में लिखा हुआ है। कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन इन सम पेशेंट्स करते हैं, डेविडसन में दोनों चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है ना। थैंक यू।